प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन को बना कैसे सकते हैं? वैसे तो हवा में दुनिया भर की ऑक्सीजन है, राइट, एयर में, बट लेबोरेटरी में अगर हमें ऑक्सीजन बनाना हो, या आप कह सकते हैं दुनिया में अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए। तो एक तरीका है जो इसमें दिया हुआ है, KCLO3 को हीट करेंगे। ओके, पहले KCLO3 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। CLOH, CL डबल बोट OH, पता है कैसे बना? यहाँ एक बोट बना रखा है, यहाँ तीन, एक एक्साइट हो गया, एक्साइट होने के बाद कोई एलिमेंट कितने एक्स्ट्रा बोट और बनाने लग जाता है, एक दो, क्योंकि हाफ फील्ड दो जगह बनेगी। लाइन समझ रहा करो, नहीं आई समझ में? देखिए, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3b5, ठीक है, राइट, और 3d खाली है, तो अभी कितने बोर्ड बनाए? एक। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इसका छुट्टी होता ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3p से 3d में चला जाए तो राइट। अब मैं ये पूछ रहा था आपसे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने पर कितने एक्स्ट्रा बोर्ड बनने लग जाते हैं? दो एक्स्ट्रा बनने लग जाते हैं, मतलब यहाँ तीन हो जाएंगे, सॉरी। ओके, जैसे कोई दो बोर्ड बनाता है, सल्फर का एग्जांपल लेते हैं, तो सल्फर दो बोर्ड बनाता है, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अगर आगे जाएगा तो दो के बाद चार बनाएगा, फिर एक और एक्साइट हुआ छह, क्लोरीन एक्साइट होकर एक से तीन बनाने लगेगा, दिख रहा ना, कि एक और एक्साइट होगा तो पांच, एक और एक्साइट होगा सात, तो मैक्सिमम वो सात बोर्ड ही बना सकता है। ये एक्साइट होगा पांच, ये एक्साइट होगा सात, पानी खत्म। तो ये हमारे पास है CLOH, CL डबल बोर्ड OH, CL, ये पांच तीन एक, ये इनके बारे में हम आगे देखेंगे, पर मैं फिलहाल पूरी देर वैसे यहाँ पे कोई बात है तो उसकी वजह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपो मतलब बहुत ज्यादा, अस लो, लो, हाइपो का मतलब लो, अस का मतलब भी लो, लो से मिले, राइट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत लो है, दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड अस, हाइपोक्लोरस, राइट, हाइपोक्लोरस। ओके, अच्छा, इसकी क्लोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, अच्छा, ये क्या है अगर कोई आपसे पूछे तो, ये क्या शब्द, तो आप कहोगे ये ऑक्सो एसिड है क्लोरीन, राइट, दीज आर द ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, राइट। ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं जाते, जिसमें, हाँ शाबाश, जिसमें OH ग्रुप हो या जिसमें H एसिड है, क्योंकि H पॉजिटिव आ रहा है, H पॉजिटिव अगर O के पास से आ रहा है तो वो ऑक्सो एसिड, राइट। जैसे HCl की बात करें तो HCl एसिड तो है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सो एसिड है, HNO3 ऑक्सो एसिड है, HNO3 की स्ट्रक्चर देख लीजिए, O के पास से H आ रहा है, राइट। ओके, अगर OH, एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर OH का जो बोन्ड है वो मेटल के साथ है, मतलब यहाँ सोडियम होता तो ये यहाँ से बोन्ड टूटता, राइट, फिर OH आता, नॉन मेटल के साथ जब होता है तो ये बोन्ड टूटता नहीं है, तो ये वाला बोन्ड टूटता है, राइट। तो अगर मेटल में OH देख रहे हो तो बेसिक है, मेटल में, मेटल के साथ OH देख रहे हो तो बेसिक है, राइट, क्योंकि इन दैट केस जो बोन्ड टूटेगा वो ओवर एच वाला नहीं टूटेगा, अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि मेटल जनरली आयनिक बोन्ड और आयंस पानी में जाकर अलग हो जाते हैं। सुना था बट इस बार आपने फिजिक्स में भी सुना होगा, वॉट इज द डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट, बहुत हाई होता है, डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट हाई होने का मतलब यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही कम रहेंगे पानी, राइट। तो अट्रैक्ट, तो अगर आप मेटल के साथ OH का बॉन्ड है तो वो बेसिक है, नॉन मेटल के साथ अगर OH का बॉन्ड है तो वो ऐसे है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, OH वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस
इसका नाम हाइपोक्लोरस हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक परकर राइट। इसके कंजुगेट बेस का क्या नाम है? हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट आई वर्ड कहां से आया? ओ नेगेटिव। अस से। अगर किसी एसिड के नाम के पीछे अस लग रहा है तो उसके कंजुगेट आई का। अगर किसी के नाम के पीछे इक लग रहा है तो उसके कंजुगेट बेस के पीछे एट आएगा राइट। ये दो साल हो गए ये कहते कहते, अब तो आपको एकदम दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जानी चाहिए बात। हाइपोक्लोरस तो ये आएगा हाइपोक्लोराइट राइट। ये क्या नाम इसका? क्लोरस। क्लोराइट। क्लोरिक। ठीक है, तो अगर ये क्लोराइट है, ये हाइपोक्लोराइट है, ये क्लोराइट है, ये क्लोरिक क्लोरिक है, इसका नाम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट कौन होगा? KClO। CLO 4 नेगेटिव होता है ना पर क्लोरेट। CLO 3 तो क्या है? नहीं आया समझ राइट। तो इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट राइट। ओके, ये एट आइट मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप ये वर्ड लिखो तो एट और आइट कब आएगा? तब वो सोल्ट होगा किसी का। अगर आप उसको हटाकर एच जोड़ दोगे ना तो उसके एट है तो एक लगा दो, उसके पीछे क्लो पोटेशियम क्लोरेट के हटाकर एच लगा दे तो ये बन जाएगा क्लोरिक राइट। आइट होता तो वो हटाकर एच जोड़ोगे अस क्लोरस ऐसा नाम बन जाएगा। तो ये है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट हीट करेंगे तो यहां से O2 बाहर निकलेगा। अब जैसे ही O2 बाहर निकलता है इसका क्या हुआ है? जैसे O2 बाहर निकल रहा है रिडक्शन जीरो क्या कमाल है? रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है। माइनस टू से जीरो हो गई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ना राइट। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो पक्की बात है तो CL का रिडक्शन CL नेगेटिव बनेगा। यस पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो वहां से O2 बाहर निकलेगी। इस तरह हमें पता कैसे लगेगा? कागज जलाओ थोड़ा सा और उसको बुझा दो, थोड़ा थोड़ा वो जलता रहता है ना अंगारे से, या फिर जलते हुए कागज को हल्का हल्का चलता है उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आओ, क्या आप देखोगे? क्योंकि वहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है राइट। तो KCl तो सॉलिड रहेगा वही पड़ा रहेगा अंशु, KCl तो सॉलिड है वही पड़ा रहेगा, टेस्ट ट्यूब में से क्या बाहर आएगी? O2 बाहर आएगी राइट। तो इसका कंफर्मेशन हमें वहां से हो जाता है, यस O2 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बाकी तो बहुत सारे मेथड है, जैसे Ag2O। अब देखो Ag2O क्या नाम है इसका? सिल्वर ऑक्साइड आई राइट। सिल्वर ऑक्साइड हीट करोगे क्या बनेगा? O2 प्लस Ag राइट, O2 प्लस Ag। चलिए मर्करी ऑक्साइड दुनिया वैसे HGO करोगे क्या बनेगा? ओके, ये हमारे पास तो नीचे वाली रिएक्शन क्या है? क्या ऊपर वाली रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? Ag प्लस रिडॉक्स है। क्या ये विस्कोपोजिनेशन है? क्या ये विस्कोपोजिनेशन है? रुके, क्या रिडक्शन हुआ है? विस्कोपोजिनेशन, तो विस्कोपोजिनेशन नाम है लिख ली Ag प्लस O2। ये कुछ रिएक्शन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बच्चों। चलिए आगे, हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी आपको याद होगी शायद, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी बड़ी फेमस H2O2। यस याद आ गई आपको H2O2। मंडे से दो लेक्चर है हमारे, जानकर अच्छा लगेगा आपको। मंडे से हम अपने उस तो MCQ के लिए भी पढ़ने लगते हैं, ठीक है? चाहे एक लेक्चर 15-20 मिनट, सिलेबस हो गया यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग सिलेबस हो गया। डी ब्लॉक में कुछ नहीं है, पी ब्लॉक में मतलब इतना सिलेबस काट दिया उन्होंने, डी ब्लॉक में कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेशन में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हटा दिया। अच्छा, जेई ने सिलेबस कुछ नहीं सारा
अभी तक नहीं है। अच्छा जेई ने कोई सिलेबस नहीं काटा, आप ये कह रहे हो? पक्का है ये? ओके, ये न्यूज कितने दिन पहले की? सीबीएसई ने जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट अनाउंस किया है सिलेबस, वो देखा है किसी ने? किया ना? या ऐसा हो सकता है वो नेट पे ऐसे ही तो चलिए H2O2 को हीट करेंगे तो क्या बात मिलेगा? तबियत खराब है सर? हाँ जी वीडियो लाइक करें, शेयर करें भाई, वीडियो लाइक कर दियो सारे, सर को पैसे दिलाए ज्यादा से ज्यादा देख। ये कैसी रिएक्शन है? तो ये भी एक तरीका है हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड वहाँ एम आई जो मेडिकल रूम है वहाँ वो मैडम शायद खुद पॉजिटिव है। तो वहाँ वो छुट्टी पे है, H2O2 को हीट करेंगे तो H2O+O2 ये बने। तो ये एक तरीका है प्रोड्यूस करने का, ये आपके पास है, बाकी तो कुछ बचा नहीं इसमें, देखिए आप खुद बताते जाओगे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिससे मिलता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन नहीं बंडे को टेस्ट हो जाए बड़े को टेस्ट है, की ब्लॉक है मतलब जितना भी हुआ है की ब्लॉक, ऐसे कुछ पढ़ते हो नहीं आप? देखो आप पूछा एमएससी नहीं बताई बात, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन CaO+2 होता है, ऑक्सीजन माइनस CO कैल्शियम ऑक्साइड। ओके चलिए एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन N2O3, एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन माइनस, यहां से आ गया ये N2O3। एलुमिना भी कहते हैं। ये बताइए P4 पी को P4 क्यों लिखते हैं? हाँ ये एग्जिस्टी ने फ्री पी नहीं मिलता, पी अकेला नहीं मिलता, ऐसे फोर्स नेचर में P4 स्टेट में मिलता है। अकेले कौन मिलते हैं? नोबल गैस, कार्बन अकेले का मिलता है, हम दिखते नहीं क्योंकि कार्बन तो लाखों कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बट कार्बन ऑल्सो एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। ओके तो कोई ऐसा नहीं कार्बन भी नहीं, नोबल गैस होता है P4O5। हाँ इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका नाम है। चलिए P4O10। नेक्स्ट है आपके पास क्या है? बोलिए C+O2 ओ बड़ फेमस रिएक्शन, ये रिएक्शन जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। देखिए अब इस रिएक्शन को देखिए, आपने ZnO लिखा, जैसे ZnO लिखा आपके दिमाग में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 रिडक्शन हुआ तो किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। अब जिंक का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, बता क्यों नहीं हो सकता? जिंक एक ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जो या तो 0 मिलेगा या +2 मिलेगा, तो बच गया कौन? सल्फर, राइट, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर SO2 भी बना सकते हैं, SO3 भी बना सकते हैं, और अगर पानी में है तो SO4-2- मतलब सल्फेट बनेगा। मैं देखो अभी बात रिपीट करता हूँ कि अगर जहां पे बात करें तो अब हमें पता लग गया कि ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हुआ है, 0 से -2 हो गया, राइट? तो अगर ये 0 से -2 हो गया तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। अब हमने देखा जिंक का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, सल्फाइड का मतलब S-2, राइट, इसका ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन हो गया क्या क्या बन सकता है? देखो सल्फाइड से सल्फर बन सकता है, ऑक्सीडेशन है -2 से 0,
SO2 बन सकता है, SO2 बन सकता है, SO3 बन सकता है, और अगर पानी में है तो अब बात तो सुनिए, बात सुनिए, अगर पानी में है, अगर पानी वहां है तो पानी SO2 के साथ मिलकर क्या बनाता है, पानी H2SO2 पता है, H2 plus SO2 H2SO3 बनता है, हमने यही तो पढ़ा है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इस लाइन का मतलब क्या है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जब पानी में जाएंगे तो एसिड बना लेंगे, राइट। अच्छा SO3 अगर बना H2SO3, राइट। तो ऐसा नहीं है जैसे हम बैठवाते हैं बच्चों को कि SO3 से H2SO डायरेक्ट H2SO4 बना देते हैं बहुत बार कि ये बनेगा यहाँ, तो वहां आपको अपने दिमाग में रखना है कि बना तो यहाँ SO3 था पर पानी की वजह से वो SO3 H2SO4 में होता है, बना तो वहां SO2 था बट पानी की वजह से वो H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड अस इक का जो डिफरेंस है वो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है तो ये आया सल्फ्यूरस, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है तो ये आया सल्फ्यूरिक, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास है इसे याद रखना, आप जरा देखो तो प्लस, अब देखो जिंक सल्फाइड, सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, पानी नहीं है राइट, आइदर SO2 और SO3 बनाना है, आइदर SO2 और SO3। अच्छा ऐसा हो सकता है कि सल्फर क्यों नहीं बना, आप कोई बच्चा पूछे सर सल्फर भी तो बन सकता है राइट, अब SO2 और SO3 के पीछे क्यों पड़े, एक्चुअली अगर वहां सल्फर बना भी तो ऑक्सीजन उसे फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा SO2 या SO3, ठीक है राइट। तो यहां पे SO2 बनेगा अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है SO3, अगर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऑक्सीजन SO2 बनेगा राइट, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि एक्सेस में नहीं है या कुछ तो SO2 ही बना के छोड़ देगा, ठीक है ये आपके पास है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपको, चलिए ये बताइए CH4 प्लस ऑक्सीजन जितने कार्बन यहाँ है, जैसे इथीन होता तो सी टू होता, इथेन होता तो सी टू होता, प्रोपेन होता तो सी थ्री होता, तो जितने भी कार्बन यहाँ है वही कोफिशिएंट यहाँ लिखो, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, चार हाइड्रोजन, अच्छा बहुत बार क्या होगा कि 13 आ गए ऐसे बनाया तो 13 आ गए, तो यहाँ पे लिखोगे 13/2 समझ कर, 13/2 अगर आपको फ्रैक्शन पसंद नहीं है तो 13/2 लिखकर पूरे 2 से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन खत्म, ठीक है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं जब भी किसी हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओ तो बैलेंस करने के लिए लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है सुप्रीत, नहीं आई बात समझ में आ रही, ओके लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ये आपके पास है। नेक्स्ट है सम कंपाउंड्स आर कैरेक्टर, चलिए अच्छा मंडे को क्या काम आपका, ये सुनो मंडे का क्या काम है, मंडे को अब तक जो भी रिएक्शन हुई है वो सारी सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी की रिएक्शन आपको अपनी आनी चाहिए, ठीक है। तो मंडे को मुझे पक्का याद रहेगा कि आपको आते ही ये कहा जाएगा कि बच्चे ऊपर यहाँ पे तीन बच्चे यहाँ पे राइट, एक दो तीन, तो फटाफट तीनों को रिएक्शन लिखनी है, कम से कम 15 रिएक्शन लिखनी है, ठीक है 15, अगर सर अभी तक 13 रिएक्शन आई है तो दो अपनी मर्जी से लिखो, ठीक है मर्जी से कोई भी रिएक्शन लिखो, जैसे कार्बन जो भी लिखना है लिखो, तो 15 रिएक्शन कम से कम लिखना, ठीक है राइट, 15 सबसे पहले वो लिखनी है जो इस यूनिट में है, ये नहीं 15 अपनी मर्जी से लिखे ये नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा जितने कम रिएक्शन लिखे, जैसे चंचल है, अब चंचल मैक्सिमम 2 रिएक्शन लिख सकती है तो 13 रिएक्शन आपने कम लिखी है, गुड़िया हम आसरे लिया, ए गुड़िया ए खाना डालो गुड़िया, दो ए गुड़िया चाय बना के ला गुड़िया, मैं ऐसे पूछना चाय बना के, ओके अच्छा दोबारा गुड़िया ए स्कूल क्यों आए, अगर तो हाँ चंचल गुड़िया, अगर आपने 2 रिएक्शन लिखी तो आप 13 रिएक्शन पीछे रह गए राइट, तो आपको 13 डंडे लगे, ठीक है कैमरा ऑफ कर सब उतने छोड़ेंगे हाँ हाँ, तो 13 डंडे लगेंगे पर
बस वही है, 13 घंटे लगेंगे। अगर किसी ने 10 रिएक्शन ली थी, 5 पीछे रह गया, तो उसको 5 घंटे नहीं डबल लगते, राइट। हमारा पर्पज है कम से कम 10 से ऊपर घंटे मारना है बच्चे। चलिए बच्चों, तो ये है नेक्स्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, यस नेक्स्ट है SO2+O2। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम करते भी हैं। SO3 है कुछ है ही नहीं। देखो SO2+O2 क्या क्या करेगा, O2 क्या करेगा SO3 बनाने का। हाँ ये बात है कि रिएक्शन को जनरली फास्ट करने के लिए हमें एंटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है। क्या नाम इसका, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, राइट। बहुत अच्छा कहते हैं इसका, जगह जगह देखते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। इवन डीप लोक में एक क्वेश्चन भी है कि व्हाई P2O5 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग वेरी गुड कैटलिस्ट, एक क्वेश्चन भी है इवन इसके ऊपर। चलो डीप लोक में देखेंगे P2, तो SO3 बनेगा। बैलेंस करते हैं टू, तीनों गैस है और अगर यहाँ इक्वी बीरियम हो तो SO3 ज्यादा बनाने के लिए क्या करेंगे, कम। आपको कैसे पता है एक्सोथर्मिक है, वैसे एक्सोथर्मिक की होती है रिएक्शन एक्सोथर्मिक की होती है। अगर ये एंडो होती, इस हीट इस साइड होती तो प्रोडक्ट ज्यादा होता, ठीक है। खैर बच्चों, ये नेक्स्ट रिएक्शन आपकी सोचिए HCl+O2। दुनिया भर की रिएक्शन रखने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, ना नीट में फायदा है ना कहीं। देखो हाँ जी बताओ, देखो आप कह रहे हो HO दिख रहा है तो H2O बनेगा, पर H2O बनने के साथ Cl बनेगा, HOCl। हाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, राइट। अगर किसी का रिडक्शन हुआ है, किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, यहाँ पे Cl2 बन, ठीक है। ये रटने वाली बात क्या है, यहाँ समस्या क्या है कि सब मैं तो HClO4 बनाऊंगा, मैं तो HClO3 बनाऊंगा, मैं तो HCl मतलब मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन 0 नहीं बल्कि +1+3+5+7 इतनी होती है, मैं तो ये बनाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट, भाई ऑक्सीडाइज हुआ है, -1 से 0 हो गया, राइट। तो -1 से +1 भी तो हो सकता था, ये भी तो ऑक्सीडेशन, और +1 कहां होता है, अब ये भी देखा था HCl, राइट। +3 कहां होता है, +5 कहां होता है, क्लोरीन में, परक्लोरीन। तो आप अगर ये कहते हो सर हम तो वो बनाएंगे, तो ये एक समस्या है। यहां पे हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन क्रैम करने की जरूरत पड़ती है, राइट। यहां पे क्रैम करने की जरूरत पड़ती है, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि क्या बनाना है। जनरली क्या होता है कि कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जैसे Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार अच्छा खासा, राइट। तो इसको +1 या +3 या +5+7 में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए या हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जनरली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनको 0 तक ही ले जाकर आप रोक, ओके। पर ये भी एक क्रैमिंग ही है, अगर ज्यादा कर देंगे तो एसिड बनेगा, एसिड बनेगा, एसिड बनेगा, बिल्कुल एसिड बनेगा, ओके। चलिए तो ये आपके पास है। नेक्स्ट है बच्चों सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स्ड ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स्ड ऑक्साइड। देखिए तो आपका बनने का काम ये है कि सारी रिएक्शन जितनी भी हुई है अब तक इसमें आपको करके लेके आनी है, जो सिलेबस में नहीं है आपने नहीं है वो नहीं करनी, जितनी भी रिएक्शन हमने की है। नेक्स्ट है सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स ऑक्साइड। देखिए एक होता है FeO, एक होता है Fe2O3 और एक होता है Fe3O, FeO, Fe2O3 एंड Fe3O4। सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। ऐसे
ऐसा देव मोटा यही मतलब इतना मतलब बच्चे कर नहीं पाते थे, हम भी नहीं कर पाते थे प्लान। तीनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस देखो, एफी की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू, एफी की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री, प्लस एट बाई थ्री राइट, इसकी एक्स है, इसकी माइनस टू थ्री एक्स प्लस माइनस एट जीरो प्लस एट बाई थ्री। एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एट बाई थ्री नहीं होती, होती नहीं है, हम सब जानते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, सॉरी खींचता है तो माइनस चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो हमेशा खेल वन टू थ्री इतने का चलता है, फिर यहाँ कैसे ही आ रहा है। एक्चुअली ये एफी थ्री ओ फोर जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं, एक्चुअली ये मिक्सचर है एफी ओ का एफी टू ओ फोर। सॉलिड स्टेट में हमने जाने से पहले छह सात महीने पहले कुछ एफ ई प्लस थ्री कितने परसेंट है, प्लस टू कितने परसेंट है, भूल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एफ ई ओ डॉट एफ ई टू होती है, ये इसका मिक्सचर है। तो जहां पे हमारी मैटर मैटर ऐसे प्रेजेंट हो कि उनकी दो अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मैटर प्रेजेंट, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की मैटर एक साथ प्रेजेंट हो, That is called mixed oxide. Mixed oxide. ये कैसा है? सिंपल ऑक्साइड। तो जहां पे आपको आपको फ्रैक्शन में मिले ऑक्सीडेशन स्टेट वो जस्ट मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल। राइट, हाँ इसमें है एनसीआरटी सीधे क्वेश्चन है, निकल का भी है, यस आयरन बिल्कुल भाई साहब, ये क्वेश्चन सारे दोबारा करेंगे जो मेटल के ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के एसिडिक। तो एक एग्जांपल में लेते हैं, जैसे हमारे पास है कैल्सियम ऑक्साइड प्लस एच टू और एक है एसओ टू प्लस एच टू, दोनों ही ऑक्साइड है, दोनों ही ऑक्साइड है, तो दोनों एक मेटल का ऑक्साइड है और एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है राइट। तो बताइए क्या बनाएगा, प्लस टू ऑक्सीजन माइनस टू एच प्लस वन राइट ओके, इसके प्लस को इसके माइनस के साथ राइट जोड़ दीजिए राइट, इसको प्लस को इसके माइनस के साथ ऐसे ऐसे कर लो एच ओ एच नहीं कितने OH नेगेटिव बन गए, दो और इसे दो ही चाहिए थे तो इसको हटा दे यहां से, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ये क्या कहते हैं इसे, लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड राइट, हाँ जी हाँ जी, सीओ टू प्लस एच टू, पर लास्ट ईयर से जो हम रटते आ रहे हैं मूव मूव मेटल ऑक्साइड सा बेसिक, मेटल ऑक्साइड सा बेसिक, बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, डी ब्रोक पे भी एक्सेप्शन देखेंगे राइट, यहां पे भी एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, जैसे एन टू होती है yes. ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है राइट, एसिड एज वेल एज बेस, एसिड स्ट्रोंग एसिड आ गया तो बेस की तरह काम करने लग जाएगा, बेस आ गया तो एसिड, हाँ ये फैक्ट है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये बहुत अच्छा मेटल नहीं है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत अच्छा मेटल नहीं है, इस वजह से इसका जो ऑक्साइड है वो बहुत अच्छा बेस नहीं है,
नहीं आया समझ में, ये बहुत अच्छी मेटल नहीं है इसलिए इसका ऑक्साइड बहुत अच्छा बेस, और बेकार बेस का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा एसिडिक हो गया, थोड़ा सा बेसिक राइट, तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है राइट, दोनों की तरह बिहेव करता है। तो Al2O3 को अगर हम सोल HCl के साथ रिएक्ट करें, HCl के साथ, तो गैस करो क्या बनेगा, दिमाग ये कहता है जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। तो वहां चाय वो बोल रहा है, वो चाय लगा है ना, वहां क्यों गए, वहां तो सिगरेट विगरेट में वहां बनेगा AlCl3, नो और कुछ नहीं बनेगा, AlCl3 बनना चाहिए प्लस H2O, प्लस H2O। मैं थोड़ी देर पहले सिर्फ इसको छोड़ दिया, इससे आपको क्लियर हो, रिएक्शन समझना पड़ेगा, सब अच्छे से याद रखना, एग्जाम में आती है। एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन माइनस 2 H प्लस 1 Cl माइनस राइट, तो Cl माइनस Al के साथ जाएगा AlCl3 बन जाएगा प्लस H और O क्या बन जाएगा, कहानियां खत्म नहीं होती, जो हमारा H2O है पानी बना, और पानी में ही एक्चुअली ये रिएक्शन होती है, तो पानी में जाकर एल्यूमिनियम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे घूमते रहे, Cl नेगेटिव अलग क्लोराइड अलग, तो हमारा H2O एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो अल्टीमेटली ये बना हुआ हमें दिखता है एयर H2O। जनरली किसी के पास मैक्सिमम कितने लिगेंड जुड़ सकते हैं, लिगेंड समझ में आ गया, जो रोम्बे डोनेट कर रहे हैं कितने, जितने खाली ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल बहुत सारे होते हैं, खाली ऑर्बिटल, बट सारे खाली खाली ऑर्बिटल में अगर कोई आ गया तो एक के आसपास इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी कि वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे, सिक्स मैक्सिमम केस में 6 लिगेंड एक साथ देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल याद है, यस सर, दो चार पांच छह राइट, हाँ पढ़ेंगे जी, या जस्ट स्क्वायर पिट बाई ग्राम sp3b2 हाइब्रिड है, ओके AlH2O, तो इसके साथ कितने H2O आएंगे, छह, इसके ऊपर चार्ज बताओ क्या है, प्लस वाई प्लस थ्री न्यूट्रल है, H2O पे जीरो, प्लस थ्री चार्ज, प्लस कौन है Cl, कुछ बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, पर क्योंकि पानी में रिएक्शन हुई है तो